एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन में लीजिए, हमारी अपनी तनख्वाहें तो जरूर बढ़ जाएंगी, हमारे स्कूल खुल जाएंगे, हमको टीचर्स मिल जाएंगे, टीचर्स से पैसा मिल जाएगा, कौम जहां की वही रहेगी, कोई उसमें टस्से मस्ते नहीं होगा। तो आप दावा करेंगे अस्सलाम वालेकुम। मिलाकर उनका खर्च हमने, मैंने उनके सामने प्रपोजल रखा है कि हमारी कौम इससे ज्यादा नहीं दे सकती है, ये दे सकती है। तो 3,500 रुपये पूरे साल भर में अगर आप किसी एक स्कूल से देते हैं तो उनको IITians का सपोर्ट हासिल होगा, पूरी बुनियादी लेवल पर उनको बहुत ज्यादा मजबूत किया जाएगा, कंपनी की तरफ से बड़ा टीवी या प्रोजेक्टर दिया जाएगा। अब दूसरी बात है, ये 3,500 रुपये हमारी कौम के लिए बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं, हमारा तजुर्बा है, चावल का फोन कर दीजिए, कार में आके लोग चावल लेके जाते हैं, 1,000 रुपये स्कॉलरशिप के लिए 2,000 रुपये का अकाउंट खोल कर आते हैं, लेकिन 1,000 रुपये के लिए हमारे सामने आके लड़ते हैं। तो वो 3,500 ग्रांटेड स्कूल में तो बोलेंगे ना, भैया टीचर खा ले रहे पैसे, उसकी फिक्र नहीं, उसके लिए हमको उनकी काउंसिलिंग करना पड़ेगी, प्रोग्राम छोटे छोटे लेना पड़ेंगे, बताना पड़ेगा, सारे जिम्मेदारों को काउंसिलिंग करना पड़ेगी। तो ये होगा, एक कंपनी ऐसी है कि हम आपके बच्चे के 3,500 रुपये देने के लिए तैयार है, आप हमको 350 रुपये महीना फेरते रहिए, विदाउट इंटरेस्ट 350 रुपये महीना फेरते रहिए। तीसरा काम स्कूल के टेक्नोलॉजी का है, वो मैनेजमेंट का, तो स्कूल में अटेंडेंस से लेकर पेपर सेट करने से लेकर उसकी असेसमेंट करने से लेकर ये सारा एक तीसरी कंपनी देने के लिए तैयार है, और ये सब कुछ 3,500 से 4,000 रुपये के अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि वो जो टीचर उसका वहाँ मौजूद है, जैसे मैथ्स का पीरियड चल रहा है और मैथ्स के टीचर वहाँ पे बैठा रहेगा, मॉनिटरिंग करेगा, 100 बच्चे उसके सामने पढ़ रहे हैं, वो उनका दिल्ली से सारा सब कुछ उनका टीचिंग हो रहा है, वो टीचर को हलाने की हटाने की कोई जरूरत नहीं है, वो टीचर को जो तनख्वाह चल रही है उसकी चलती रहेगी, लेकिन वो असेसमेंट करेगा, रिपोर्टिंग करेगा, कंप्यूटराइज्ड सारी चीजें होगी। हमको सिर्फ ये करना है, उसको 8वीं पास नहीं करना है, 9वीं पास नहीं करना है, 10वीं सिर्फ पास नहीं करना है, हमको उसको नीट और JEE के लिए और आने वाले कल के लिए बहुत पुख्तगी के साथ में तैयार करना है। ये प्रोग्राम हम सबको हाथ में लेने की कोशिश करनी है। मैंने उर्दू मीडियम के लिए उनसे स्लॉट मांगा है, इंशाल्लाह उस पर इंग्लिश मीडियम में तो काम हो चुका है, मराठी मीडियम में भी उनका काम हो चुका है, जैसे बायजूस वाले आप लोग बहुत सारे जानते हैं कर रहे हैं। इस तरह के लेवल की अगर उर्दू मीडियम, अब जरा सोचिए, थोड़ा सा 4,000 रुपये अगर बढ़ा दी जाए ना, तो हमारे बच्चे टैबलेट के साथ में स्कूल में आएंगे, टैबलेट के साथ में वो पढ़ भी रहे हैं, और जब घर पर जाएंगे तो 1,500 से 2,000 लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो भी घर के सपोर्ट के साथ में, होमवर्क हो रहा है उसका, और एक ही चीज़ खुलेगी जो लेक्चर चल रहा है, बाकी अनलॉक रहेंगे, वो किसी चीज़ में मसरूफ नहीं रहेगा। हमारे यहाँ से लोग बैठे हैं, बार बार उनके पेरेंट्स को फोन कर रहे होंगे, टीचर्स को फोन कर रहे होंगे, उनकी सारी रिकॉर्डिंग लेगी। भाइयों, मैं मुख्तसर आखिरी अल्फाज ये कहना चाहता हूँ कि ज़माना बहुत तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ चुका है, और कोरोना ने हमको और 50-10 साल पीछे छोड़ दिया है। अगर हम इसकी खबरगिरी नहीं करते हैं, खास तौर से क्वालिटी की तरफ, तो मैं समझता हूँ कि फिर कितनी भी संगठनाएं बन, और सब IITians होंगे, PhDs होंगे, बहुत स्कॉलर होंगे अपने अपने फील्ड के, अगर वो साइंस के 10 सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं 10 के, तो 10वें से 2-2 चैप्टर अलग अलग टीचर अपने जिसमें एक्सपर्टीज है, वो जिसमें एक्सपर्ट है वो पढ़ाएंगे। अब ये कैसे होगा, तो हम आपके स्कूल पे समझ लीजिए आते हैं, वो कंपनी को मैं लेकर आता हूँ, वो कंपनी स्कूल से रिक्वेस्ट करेगी कि आपके स्कूल से हमको 100 बच्चे तो सहूलत हमको देनी है, मेरा जहां तक इल्म है वो उनको देते हैं, सिख चाहे जो भी है किस्म के ईसाई वगैरह, तो हमको मुख्तस कर दें, आप लोग सब काबिल हैं, वो कैसे करे उसमें पाठ करे जो भी करे, वकील साहब भी थे यहाँ, हम अपना काम करें। आप लोगों ने बड़ा अच्छा ये काम शुरू किया, मैं इसके लिए मेरे गांव की जानिब से, मेरे इदारे की जानिब से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। इसमें जो भी थोड़ी बहुत हमसे भी मदद होगी, मैं अल्लाह गवाह है, मैं उसमें भी आप लोगों के साथ शरीक रहूँगा, लेकिन हम काम करते चले, हम पीछे ना आते, हम बहादुर कौम है यार, हमारे को अल्लाह ने साथ दिया है, लेकिन हम पता नहीं कहाँ चले गए बस एक दूसरे की बार, ये चैन तो बहुत ज्यादा मशहूर होगा उसमें, मैं तो साफ वही से बोल रहा हूँ, चलो खत्म करो। बच्चे है जिनको आर्थिक दृष्टि कुछ मदद करने की जरूरत है वो भी हम करेंगे, और समाज में जो कहते थे दानशूर व्यक्ति है पैसे लगा सकते हैं थोड़े बहुत, तो पैसे भी लगाएंगे, और एक इसमें ये है कि ज़कात के माध्यम से काफ़ी लोग क्या करते हैं डोनेशन देते हैं, तो वो डोनेशन का उपयोग इसमें किया जा सकता है, वो हम उनको प्रवृत्त करें, समाज के जो ऐसे जो अच्छे लोग हैं उनके पास पैसा है वो डोनेट करना चाहते हैं, ज़कात के माध्यम से भी पैसा जो मदद की जाएगी, शासन स्तर पर कोशिश करने वाले। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि
समाज के अंदर और खास करके प्रशासन में जो मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज की जो टक्केवारी जो काफ़ी दिनों दिन कम होती जा रही है, इसके लिए इसका प्रतिनिधित्व कैसे किस तरीके बढ़े, इसलिए स्पर्धात्मक जो परीक्षा है MPSC है UPSC है या फिर नीचे लेवल की जो क्लास 3 की जो परीक्षा है, जो पुलिस भर्ती है, आरोग्य विभाग की भर्ती है, या अभी जो TET जो इसकी जो एजुकेशन में जो भर्ती होने वाली है, TET के बारे में भी मार्गदर्शन शिविर हम जगह जगह आयोजित करेंगे और बच्चों में उसमें स्पर्धात्मक परीक्षा के लिए वातावरण निर्मित के लिए कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्था है उनमें क्वालिटी एजुकेशन आए और उन क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ उनको अच्छे तरीके से तालीम हासिल हो, इसके लिए जो टीचर्स है असातिज़ा है उनके मार्गदर्शन शिविर और उनके प्रशिक्षण भी हम आयोजित करेंगे। साथ ही साथ समाज में अवेयरनेस निर्माण करने के लिए शालेय व्यवस्थापन समितियाँ और माता पालक संघ इसके माध्यम से गांव-गांव में हमारी संगठना जाएंगी और उनकी शैक्षणिक प्रगति के लिए हम कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सभासद संस्था के लिए हम विभागीय और राज्य स्तरीय आज औरंगाबाद में महाराष्ट्र लेवल की जो स्वयंसेवी संस्था है जो शैक्षणिक विभाग में अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करती है, ऐसी संस्थाओं की यहाँ पर बैठक हुई है और बैठक होने में एक ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी सोसाइटीज़ एंड टीचर्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कायम हुई है और उसका उद्देश्य यह है कि अल्पसंख्यक समाज में जो शैक्षणिक पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए कोशिश करना और उसके साथ साथ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो NGO सहभागी है उनको शासन के अलग अलग योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाना और उसके साथ साथ उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम है कुछ योजनाओं के बारे में मालूम देना और उनके आपसी जो बर्थडे या प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। इसमें पूरे महाराष्ट्र से मुंबई से लेकर नागपुर तक काफ़ी लोग उसमें NGO जो काम करती है वो यहाँ पर आए थे और उसमें दिन भर उसमें चर्चा होने के बाद में ये ऐसी संगठना बनाई गई है। सर ये समाज का इसमें फ़ायदा क्या है वो बताइए। समाज के अंदर जो भी दुर्बल जो घटक है और अल्पसंख्यक में विशेष करके इनको मदद दी जाएगी, इसको अलग अलग स्कॉलरशिप की योजनाएं कैसे पहुंचाया जाए उसके साथ साथ उनको एजुकेशन में लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हम लोग करेंगे।